नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दोबारा से हाजिर हूं आपके साथ एक बार फिर से साप्ताहिक राशि फल लेकर के, ताकि आप ये पहले से समझ सकें कि आने वाले सप्ताह की प्लानिंग आपको कैसे करनी है और सप्ताह में किन बातों का ध्यान रखना है। 24 अगस्त से 30 अगस्त वाले सप्ताह के राशिफल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सप्ताह में 26 अगस्त को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 29 अगस्त को परिवर्तनी एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो योग निद्रा में लीन हैं, वो करवट लेते हैं, करवट बदलते हैं, परिवर्तन होता है, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं और किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक स्थितियों के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उन्हें थोड़ा फायदा तो सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको थोड़ा सा इस सप्ताह की शुरुआत में 24, 25 और 26 तारीख को थोड़ा ध्यान रखना होगा। 27 तारीख से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। इस सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपकी नौकरी की, आपके करियर की मुश्किलें दूर होंगी और इस सप्ताह एक फ़ायदा ये दिख रहा है कि किसी छोटी यात्रा से आपको लाभ होगा। घर में कोई शुभ और मंगल कार्य इस सप्ताह के अंत में हो सकता है। वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मेहनत के साथ दिख रही है, थोड़ी दौड़ भाग दिख रही है। अपने लोगों से मिलने में, अपने रिश्तों को संभालने में थोड़ा व्यस्त रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में। इसके अलावा काम का प्रेशर रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आराम के मामले में किसी तरह की लापरवाही इस सप्ताह में बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। 27, 28 और 29 तारीख को चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा और पैसे रुपए को लेकर के बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मामले में जल्दबाजी इस सप्ताह में मत कीजिएगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, जीवन सेटल होगा, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। हालांकि काम का प्रेशर, काम का दबाव आपके लिए दिख रहा है। जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, इस सप्ताह में उनके लिए फायदे के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिथुन राशि के लोग सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लिखा पढ़ी के मामले में सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी रखिएगा। हालांकि सप्ताह आपके लिए अच्छा है और अगर किसी नए ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, किसी नए करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। कर्क राशि, सप्ताह का जो पहला दिन है, खासतौर से 24 तारीख जो है, वो आपके लिए थोड़ा प्रेशर वाली दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, तो 24 तारीख को कम से कम शांति बनाए रखिएगा, उसके बाद से स्थितियां आपके लिए ठीक हैं। अगर नौकरी के लिए, करियर के लिए कोई नया ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको बेनिफिट हो सकता है। संपत्ति संबंधी आपके तमाम काम इस सप्ताह में निपट सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और किसी मित्र से अगर कोई सहयोग मांगना ही पड़ जाता है, कोई सहायता लेनी ही पड़ती है, तो उसमें हिचकिचाइएगा नहीं, सहयोग मांगिएगा, आपकी समस्याओं में सहायता ज़रूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है, कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25-26 तारीख को थोड़ा तनाव है, थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रेस परिवार की वजह से है, लोगों की वजह से है, तो बेवजह की चिंता करना बंद करें। हाँ, सेहत का ध्यान रखें, दवाई आदि खाने में लापरवाही ना करें। इस सप्ताह कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जिससे आपका कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए, ऐसी संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। नौकरी से संबंधित मुश्किलें भी इस सप्ताह में आपकी सुलझेंगी, आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए, धन के मामले से भी, करियर के लिहाज से भी और जीवन के लिहाज से भी। काम का प्रेशर थोड़ा इस सप्ताह में कम दिख रहा है, चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। और कोई काम अगर रुका हुआ है तो इस सप्ताह में खासतौर से 26 तारीख को निपटाने की कोशिश करें तो आपको फायदा होगा।
28 और 29 तारीख को खान पान का ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ की समस्याएं आपको हो सकती हैं, लापरवाही ना करें और पैसा और कीमती चीज़ें सप्ताह के अंत में संभाल करके रखें, वरना उसमें नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को एक बात का और ध्यान रखना है कि आप अपने मित्रों से बहुत ज़्यादा अति विश्वास मत करिएगा, वरना किसी धोखे के शिकार हो सकते हैं। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा, जीवन एक नए रास्ते पर चलना शुरू होगा, नई दिशा में चलेगा। हालांकि थोड़ी दौड़ भाग बढ़ेगी और आप आने वाले समय को लेकर के थोड़ा चिंतित हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, उसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बेहतर व्यवस्थाएँ ज़रूर हो जाएंगी। परिवार का सपोर्ट लीजिए, परिवार का सहयोग लीजिए और उधार लेने देने में इस सप्ताह में आपको सावधानी रखनी होगी। किसी लंबी यात्रा पर जाना है तो वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत थोड़ी सी सप्ताह के अंत में बिगड़ती हुई दिख रही है। वाणी पर नियंत्रण रखें और अगर कोई काम करने जाना है सप्ताह में, कोई महत्वपूर्ण काम निपटाना है, तो कोशिश करें कि घर से खाली पेट ना जाएं। वृश्चिक राशि, सप्ताह का पहला दिन थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि काम का दबाव बढ़ेगा, कुछ नए निर्णय आएंगे, लेकिन उसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाकी समय में इसको मैनेज कर लेंगे। पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का फायदा इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है। कोई बड़ा वेंचर है, अगर कोई बड़ा काम अगर करने जा रहे हैं तो बुद्धिमानी कहती है कि कुछ समय के लिए अभी उसे रोकना चाहिए। अभी जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आपके लिए बेहतर हैं, उसे वैसे ही चलने दें। प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, विवाह के मामलों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए और कुछ भी लिखा पढ़ी करने में सावधानी रखिए। एक बात और है, नज़दीक के लोगों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसका भी सप्ताह में ध्यान रखेंगे। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25-26 को थोड़ी सी सेहत आपके बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर से कोल्ड कफ का, या फिसल कर गिरे नहीं, चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर में कोई मुश्किल आने वाली है, तो यकीनन आपके करियर में कोई मुश्किल नहीं आएगी, थोड़ा प्रेशर जरूर होगा, लेकिन करियर आपका स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। थोड़े आपके रोल में, आपकी स्थितियों में बदलाव हो सकते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन आपके करियर में इस सप्ताह में दिख रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होंगे। एक बात और है कि धन जहां रुका हुआ है, जहां फंसा हुआ है, इस सप्ताह में उसको निकालने की कोशिश करें, वो काम आपका बनेगा और रुके हुए काम इस सप्ताह में निपटा डालें, क्योंकि आगे काम के होने की संभावना लंबे समय तक नहीं दिख पा रही है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है, जो बहुत दिनों से चाहते थे वो इस सप्ताह में मिलने के योग बनते हैं। 24-25-26 तारीख आपके लिए बहुत कीमती है, इस समय में काम निपटाने की, काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, आपको फायदा होगा। और इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान पारिवारिक जीवन का रखना है, पति पत्नी के रिश्तों में दिक्कत ना आए, संतान के साथ दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें। और संपत्ति संबंधी अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह में उसे निपटाने की कोशिश करें। अगर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, पद प्रतिष्ठा का आपको फायदा होता है, तो उसको लेकर के अहंकार मत करिएगा और किसी को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे आप। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतर है, कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देती। सोमवार या मंगलवार को, यानी 24 या 25 तारीख को आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, कोई मुश्किल जो चली आ रही थी वो इस सप्ताह में समाप्त होगी, लेकिन खान पान का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपने सेहत पर ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं, मेंटल प्रेशर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, काम का बोझ बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के करियर की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं और शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में पूरी कोशिश करिए, आपको फायदा हो सकता है। और इस सप्ताह में किसी धर्म स्थान में जाकर के देवी देवता के दर्शन करके प्रार्थना करना चाहिए आपको, उससे आपको लाभ होगा। मीन राशि, पिछले सप्ताह का प्रेशर इस सप्ताह भी दिखाई दे रहा है, सप्ताह की शुरुआत में भी प्रेशर है और करियर को लेकर के आप बहुत अनिश्चित हैं कि इस समय नौकरी बदलें या नौकरी चलने दें। देखिए, बुद्धिमानी ये कहती है कि परिवर्तन का समय तो है, लेकिन सोच समझ करके परिवर्तन करना चाहिए और कारोबार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरे के भरोसे नौकरी और कारोबार इस सप्ताह में मुश्किल में डाल सकते हैं आपको।
हालांकि 27-28 तारीख का जो समय है, इस समय में आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपके काम बनेंगे। इस सप्ताह में हो सकता है कोई वाहन खरीदें या कोई प्रॉपर्टी की बुकिंग करें, ऐसी संभावना भी आपकी राशि में इस सप्ताह दिख रही है। इस सप्ताह पर जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा वो ग्रह होगा बृहस्पति। इसलिए इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए हर राशि के व्यक्ति को रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर रोज सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। इस बार रविवार को हम लाइव नहीं आ सके कुछ कारणों की वजह से। कोशिश करेंगे कि मंगलवार या बुधवार को हम लाइव हों और आपके सवालों के जवाब दें। रविवार को तो हम लाइव खैर आगे होते भी रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसकी पूर्व सूचना आपको जरूर देंगे। फिलहाल हमारे आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।